तो चलिए अंदर जाके बैठते हैं। ये शायद सेकंड क्लास है और ये शायद फर्स्ट क्लास है। अपने पास तो फर्स्ट क्लास का पास है तो अपन तो फर्स्ट क्लास में ही जाएंगे। यहाँ पे सड़कों पे ऐसे ओम लिखा हुआ, यहाँ पे भी, वहाँ भी ओम लिखा मेरे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ सोफिया बुल्गारिया में और मैं खड़ा हूँ यहाँ के सेंट्रल स्टेशन पे। हम जाने वाले हैं प्लोवदीव, जो कि एक और बड़ा शहर है सोफिया में, बुल्गारिया में। और ऐसे कहा जाता है कि, मतलब मुझे लोकल्स ने बोला है कि आप ट्रेन की बजाय बस ले लो, बस सही रहेगी आपके लिए, बिकॉज ट्रेन का कोई टाइम पता नहीं होता कि कब पहुँचेगी कब नहीं पहुँचेगी। तो काफ़ी इनफेमस ट्रेन हैं बुल्गारिया की, लेकिन मेरा यूरल पास है जो वो वैलिड है यहाँ पर भी, तो मेरे लिए फ्री है। सो आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई, और थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कैसी हैं ट्रेन बुल्गारिया की। कभी मैं घुस रहा हूँ स्टेशन में, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसी हैं बुल्गारिया की ट्रेन्स। और हम पहुंचेंगे प्लोवदीव, तो एक नया शहर देखने को मिलेगा बुल्गारिया का। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये है ट्रेन स्टेशन अंदर से, मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा जैसे बुराई कर रहे थे वो लोग, अच्छा ही लग रहा है थोड़ा सा। तो बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन ढूंढते हैं यार, ये सब रशियन में लिखा हुआ है, थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढना, लेकिन आई कैन रीड रशियन, तो ये तो गूगल लेंस तो है ही। 611 ये ट्रेन है अपनी, और ये जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 15 पे है। अभी मेरे पास एक घंटा है, तो कुछ खा लेते हैं पहले फिर जाएंगे। तो ये मेरे को पड़ा 3 लीप का, मतलब 120 रुपये का। अभी हुआ क्या एक्चुअली, जैसे मैं स्टेशन के अंदर घुसा तो एक बंदा आया मेरे पास और मेरे से पूछने लग गया कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा यहाँ जा रहा हूँ, मतलब टिकट है, मैंने कहा है। फिर तो बोला कि ये ट्रेन में तुम्हें जाता हूँ कहाँ पे है, मुझे दिखाने लगा मेरे पास आईडी कार्ड है, मैं इन्फॉर्मेशन डेस्क से हूँ फलान ढिमकान, एंड देन मुझे कहीं ले गया वो नीचे वाले फ्लोर पे, कहीं इधर से जाना है। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, कि ये मेरे से पैसे मांगेगा या कुछ करेगा, कि मैंने तेरी हेल्प करी है। तो मैंने कहा यू जस्ट टेल मी कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो ये था अभी जो पैसे मांग रहा था, तो मेरे पास आया वो फिर बंदा। तो मैंने कहा कि भाई बता दो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है। वहाँ पे लिखा रहा था सामने बोर्ड पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो मैंने कहा मैं कहा मुझे खाना खाना है पहले, कहीं जाता हूँ बाहर। कह रहा नहीं नहीं आगे खाना है, तो मैं फिर तो पक्का क्लियर होगा कि मेरे को ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मैं कहा नहीं नहीं मैं खाना खा के आता हूँ। फिर मैं ऊपर आ गया, तो अभी जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा एक और बंदे को पकड़ा उसने, मेरे जैसा था वो भी बैकपैकर था, उसको पकड़ के ले गया नीचे। पता नहीं क्या सीन है, हेल्प तो नहीं कर रहा होगा ऐसे, मतलब नहीं ऐसे कोई हेल्प तो नहीं करता, मतलब स्पेशली इन देशों में या यूरोप में या ऐसे देशों में, तो पक्का कुछ ना कुछ तो स्कैम ही था उसका, लेकिन बच गए। तो अभी खाते हैं और अभी एक घंटा वेट करते हैं और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पहुँचते हैं और वहाँ से ट्रेन ले लेंगे। मेरे ख्याल से 2 घंटे में पहुँचना चाहिए, मगर बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे था अभी वो घूम रहा था कहीं पे, वो रहा जो ये बंदा है ना, ये पेट वाला, यही सबसे जाके बात कर रहा है। अभी भी देखा मैंने 4-5 लोगों से मिला ये, लेकिन इससे कोई मुर्गी फंस नहीं रही ये। तो ये मैं अभी नीचे आ गया हूँ, एक फ्लोर नीचे। तो यहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं प्रॉपर कि 8वां प्लेटफॉर्म कहाँ पे, इधर जाके है शायद। ये देखिए ये लिखा है 8वां प्लेटफॉर्म इधर, तो वो रहा एंट्रेंस टू प्लेटफॉर्म। ये तो पता नहीं बंदी कर रखे हैं, उधर आगे होगा वहाँ से लोग आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है 8 नंबर, बट 8 स्टब लिखा है, पता नहीं क्या मतलब है इसका, जाके देखना पड़ेगा। ये तो बड़ी पुरानी सी ट्रेन खड़ी है कोई, भाई ये ट्रेन तो आधी आधी खड़ी है यहाँ पे, लग नहीं रहा ये जाएगी कहीं पे। तो क्या करें क्या करें क्या करें, आगे जाके उस पर देखते हैं क्या लिखा है बोर्ड पे। तो यार ये शायद कैमरे में नहीं सही आ रहा, लेकिन वैसे सही दिख रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा कैमरे फ्लिकर आ रहा है। तो टाइम लिखा है इस पर 15, तो ट्रेन तो लग रहा है अपनी ही है। अब अंदर से किसी को पूछते हैं, शायद ये ऐसे होगा कि आधी ट्रेन वो कहीं और जाएगी, आधी जो वहाँ खड़ी थी, और ये कहीं और जाएगी आधी जो यहाँ खड़ी है।
वहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, उससे जाके पूछ लेते हैं कि ये पुलोवदीव जा रही है कि नहीं जा रही। तो यार मैंने पूछ लिया एक यहाँ पे थे टीटी, मतलब टिकट चेकर को लगा था मेरे को, उनसे मैंने पूछा कि पुलोवदीव जाएगी, बोले दा मतलब हाँ। तो चलिए अंदर जाके बैठते हैं, ये शायद सेकंड क्लास है और ये शायद फर्स्ट क्लास है। अपने पास तो फर्स्ट क्लास का पास है तो अपन तो फर्स्ट क्लास में ही जाएंगे, लेकिन आई डाउट कि इनके पास कोई स्कैन करने का तरीका होगा पास को, तो पता नहीं, देखते हैं। या ये फर्स्ट क्लास है, तो मैंने अपना सामान रख दिया था अभी अंदर आके एक बार पहले। तो ये डब्बा, एक बार हम गए थे यूरोप में ऐसी ट्रेन में, तो वैसी वैसी लग रही है ये, लेकिन मतलब ऑब्वियसली यूरोप से मुकाबला नहीं कर सकते बाकी ट्रेन से, लेकिन मतलब सही है, कंफर्टेबल सोफा टाइप सीट है और ये ऐसे कैबिन बन जाएगा। एसी वैसी मुझे लग नहीं रहा है कुछ, लेकिन अभी एक घंटे में चालू होगी ट्रेन तो तब पता चलेगा, शायद कुछ चले पता नहीं, ऊपर से हवा निकले वहाँ से, आई डोंट नो। लेकिन अभी पहला मेरा जो मुझे फिक्र हो रही जिस बात की, वो ये है कि जो मैं इसको दिखाऊंगा कि भाई यूरल पास है मेरे पास और ये QR कोड है स्कैन कर ले, तो इसके पास स्कैन करने की मशीन होगी कि नहीं होगी वो देखना पड़ेगा। अभी एक घंटा बचा है इस ट्रेन को चलने में, तो एक घंटा वी कैन चिल यहाँ पे। लेकिन पूरा मतलब खाली पड़ी एकदम ट्रेन, कोई दो बंदे होंगे शायद पूरी ट्रेन में, और मे भी शायद एंड मोमेंट पर चढ़ें, तो या लेट्स सी। अभी तक सो फार सो गुड, बिल्कुल टाइम पे चलिए, 1:05 का टाइम था और 1:05 पे एक मिनट भी लेट नहीं हुआ। तो भाई उतर गए हम स्टेशन पे, ये तो मतलब बिल्कुल टाइम पे चली और टाइम पे यहाँ पे आके इसने उतार दिया, लेकिन काफी रंग बिरंगी ट्रेन, बाकी बात करेंगे थोड़ा सा बाहर जाके। तो ये बस जाएगी मेरे हॉस्टल में, सर टिकट लेनी पड़ेगी अंदर, देखते हैं। तो भाई बस में तो बहुत आसान था, वहाँ पे बैठी थी एक आंटी ड्राइवर के साथ में, कंडक्टर आंटी, तो उसने टिकट काट दी मेरे को एक लीव की, मतलब कि 40 रुपये की टिकट। अभी हमारा हॉस्टल यहाँ से पास ही है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत सुंदर शहर लग रहा है, ये सही था इसका इम्प्रेशन जो लोगों ने मुझे बताया था कि पुलोवदीव काफ़ी सुंदर है। तो पहले अपना हॉस्टल ढूंढते हैं किधर को है, इस गली में पता नहीं, यहाँ से 300 मीटर चलना पड़ेगा पैदल। और यार अगर बात करें हम ट्रेन की, तो मतलब मुझे तो बहुत सही लगी, मतलब उसमें एसी नहीं था और बस एक चीज़ थी कि हर स्टॉप पे रुक रही थी वो, रुक रुक के, मतलब जैसे अपनी कोई फास्ट ट्रेन नहीं थी वो, लाइक इट वॉज अ पैसेंजर ट्रेन, लेकिन कंफर्टेबल थी, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। जो टीटी जब मेरी टिकट चेक करने आया ना, तो उसको मैंने दिखाया मेरा QR कोड, उसके स्कैन तो किया लेकिन समझ नहीं आता कि क्या है, उसने पूछा दोबारा कि क्या है ये, मैंने कहा भाई यूरल पास है, तो उसने कुछ पता नहीं फ़ोन में कहीं और पहुँच गया, बोला दोबारा खोल के दिखा, दोबारा दिखाया खोल के, उसको फिर समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर उसने कहा ठीक है जो भी है चला गया। तो मतलब हाँ मैंने चेक भी किया, ऑनलाइन वैलिड तो होता है यहाँ पे यूरल पास,
मेरा हॉस्टल यहीं कहीं होना चाहिए। तो काफ़ी ऐसे पहले में सड़क है ऊपर, अभी ढलान आ गई है, हॉस्टल नहीं मिल रहा। मिल गया भाई हॉस्टल, तीसरी मंजिल पे जाके है, तो जाके चेक इन करते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो भैया मैं खाना खाने आया था, और अगर हम मेन्यू देखें तो मैंने आपको मतलब सोफिया में मैंने आपको मेन्यूज नहीं दिखाए, लेकिन मतलब वही रेट होते हैं यहाँ पे। जैसे इसका आधा कर लीजिए, 7 यूरो की डिश आपको मिल रही है, ठीक है। सलाद वाला 3 यूरो में, 4 यूरो में, तो मतलब काफ़ी फैंसी जगह पे भी लाइक एवरीथिंग इज़ अफोर्डेबल। जैसे मुझे कुछ भी खाना है, जैसे अभी मैंने क्या ऑर्डर कराया है, मैंने ये ऑर्डर कराया, यहाँ लिखा चटनी लिखा है, देखो मैंने पूछा चटनी कैसे बोलते हो इसको यहाँ पे, मतलब बुल्गेरिया में, बोली नहीं यहाँ कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में चटनी लिखा हुआ है। तो ये भी 5 यूरो के आसपास है, और साथ में कुछ ब्रेड व्रेड अलग से देते हैं, जैसे अपने होते हैं ना फ्लैट ब्रेड होती है, जैसे अपने रोटी मिलती है तो उसको बोलते हैं फ्लैट ब्रेड, ऐसी वाली। ये तो ये है तकरीबन एक तो नहीं, हाँ 1.5 यूरो की। तो भाई ये आया है खाना अपना, ये कबाब है, आलू, चटनी, जो रोटी मंगवाई थी मैंने इसको यहाँ पे बोलते हैं फ्लैट ब्रेड, वेरी सिमिलर टू हमारी जो रोटी होती है बटर वाली रोटी है, और काफ़ी सही टेस्ट है इसका। ये मुझे पड़ा है तकरीबन 600 रुपये में सब कुछ मिला के, तो काफ़ी अफोर्डेबल है, और क्योंकि रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा सा है, नाइस। भाई आज हम निकले थोड़ा घूमने प्लोवदीव, यहाँ का ओल्ड टाउन काफ़ी फेमस है। तो पीछे देखा आपने बोर्ड लगा हुआ था कि ओल्ड टाउन इज़ दिस वे, और कपाना एक इलाका है जहाँ के बार्स और रेस्टोरेंट्स बहुत फेमस हैं, तो वो पीछे है। अभी थोड़ा सा ओल्ड टाउन घूमते हैं, फिर शाम को चलेंगे बाहर बाहर दारू वारू पियेंगे वहाँ जाके भी, लेकिन अभी के लिए दिस इज़ द ओल्ड टाउन। यार बहुत ही ज़्यादा शांत है, मतलब सिर्फ पंछियों की आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियों की, और तक कुछ सुनने नहीं रहते, कोई गड्डी गुड्डी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे ना एक्चुअली एक बड़ा पुराना एम्फी थिएटर सा है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, यहीं पे कहीं पे है, मतलब शायद ऊपर जाके होगा, बहुत सुंदर जगह है वो, मैंने फ़ोटोज़ में देखा है। यहाँ पे सड़कों पे ये से ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, वहाँ भी ओम लिखा है, मेरे हॉस्टल का जो ओनर है उसने भी ओम कनेक्ट करवा रखा है, तो पूछूंगा उससे कि कुछ ज़्यादा क्या मतलब खास क्या है। एक यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है कि पूरे ओल्ड टाउन में ये साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सब कुछ, तो हमारा एम्फी थिएटर ये लिखा है, एंशियंट थिएटर जो है 150 मीटर इस डायरेक्शन में, इसको तो ये देखिए, अभी खड़ा तो बाहर ही हूँ मैं, फेंस के बाहर ही हूँ, लेकिन आई कैन हैव अ लुक एट दी थिएटर, काफ़ी शानदार सा है, मतलब पहली बार देखा मैंने ऐसे थिएटर, बहुत देखे हैं ऐसे एम्फी थिएटर, मतलब टर्की में देखे थे और जगह देखे हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं होते। ये देखिए इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, अभी भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे डांस वगैरह की, जो भी चल रहा है मतलब वहाँ पे सीन। ये पता नहीं कहाँ से घुसे हैं अंकल आंटी, मुझे ढूंढना पड़ेगा रास्ता, यहाँ से कहीं से रास्ता होना चाहिए, बट हाँ जगह काफ़ी अच्छी है। तो यार अभी हम थे कपाना एरिया में, तो ये देखिए ड्रिंक्स के प्राइसेस, अगर आप कॉकटेल्स में जाएंगे तो 4-4 यूरो की, बियर भी इसका मतलब आधा कर लीजिए तो 3 यूरो, 2.5 यूरो, करोना 2.5 यूरो की है, तो ये प्राइसेस हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा इलाका है, मतलब नाइस। Absence popular here.
Not exactly. Not exactly. Not exactly. Interesting. So what is the go-to? Rakia? Rakia. Yeah. Rakia. That's the most popular. But Absinthe is becoming the bar is already 70. Did you just do that? Did you just take that? Yeah. Oh, that's so cool. Have the car for 2 days, so we might be going to more places. Yeah. So, अभी जा रहे हैं हम पेट्रोल डलवाने इसमें.